H2 plus, इससे बना हाइड्रोजन क्लोराइड, तो 2HCl बन जाएगा बैलेंस अगर किया जाए तो। सेकंड देखो, लाओ यस बोलो, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, BaCl2 प्लस Al2SO4 बोल थ्राइस बोला करो। हाँ आगे बताइए, BaSO4 हाँ प्लस AlCl3 प्लस AlCl3। अभिषेक इसको बैलेंस बनाओ, इसी में ही बोलो किसमें क्या क्या लगाएं। हाँ उसका भी टू लगा दिया और सर ये बैलेंस है इसको तो बताएं। ईशान बोलो सर वहाँ पे 3Ba यहाँ पे नहीं, यहाँ थ्री लगा दो, थ्री लगा दिया, क्लोरीन बैलेंस कर रहे हो। और बोलो सर वहाँ पे थ्री लगा दें, चलो थ्री लगा दें, अब बैलेंस हो गई। ओके नाउ थर्ड इज सोडियम प्लस वाटर, अंशिका H2O gives NaOH plus H2. Now Dhruvanji se balance karo. Kya sodium balance hai? Kya oxygen balance hai? Hydrogen balance karo. कहाँ करना है? यशिका बैलेंस करो, फिर यशिका से अच्छी बात है। सौम्या बैलेंस करो, एक सेकेंड, ये लेफ्ट हैंड साइड में टू एन ए। नेहा बैलेंस करो सर, टू एन ए टू एच टू। अर्पिता वन बाई टू, हाइड्रोजन ऐसे बैलेंस होता है। अच्छा, यहाँ 2H है, यहाँ भी क्या 2H हो गए, अब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करो सौम्या, 2Na+2H2O इज इक्वल्स टू 2NaOH गिव्स को करना, गिव्स 2NaOH प्लस H2H2 2 से हाफ में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, H2 2 से हाफ H2 है तो क्या आएगा बताओ, H2 आएगा कि नहीं। चलो अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हाँ चलो बोलो, BaCl 2 BaCl2 एक बार में बोलिए, फुटकर में मत बोलिए। हाँ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी इसमें लगाई और सोडियम की एक होती है तो इसमें लगाई। और बोलिए BaSO4 अगर वो कह रहा है कि इन वॉटर मीडियम, इन वॉटर विद वॉटर नहीं है, चीजें पानी में मिला के रिएक्शन कराई जाती है, इन वॉटर को नहीं लिखा जाता है कुछ, इसका मतलब है ये सब एक्वियस है, इसमें बताओ जलीय विलयन पानी में डाल डाल के कराए, प्योर लोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये एक्वियस है, एक्वियस की स्पेलिंग पता है ना, पिछली बार भी बताई थी, एक्वियस यानी पानी में हाइड्रेटेड, इसका फॉर्म क्या होता है
वाटर। बोलो बात समझ में आ गई। अब आगे बताएं क्या ये जो बना ये चीज ये पानी वो जो सोल्यूशन जो प्रोडक्ट बनेगा ना BaSO4 नीचे बैठ जाएगा तो इसको कहेंगे सॉलिड बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, ये नीचे बैठ गया। कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो सॉल्युबल नहीं होती, वो नीचे बैठ जाएगी। जैसे दूध में पनीर फाड़ दिया नींबू डाल के, तो क्या वो उसमें सॉल्युबल होगा कि अलग हो जाएगा? तो वो प्रेसिपिटेट कहना है। जो चीज अलग हो जाती है और सॉल्युबल ना रहे तो उसको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। अच्छा आगे बताइए और क्या बना? NaCl। NaCl बन गया है। अर्पिता आप इसे बैलेंस करें। ये बैलेंस है। और बोलो क्लोरीन को करो टू लगा दिया। अब और बताइए सोडियम को, सोडियम क्या बैलेंस हो चुका है? क्या सल्फर बैलेंस है? ईशान ऑक्सीजन बैलेंस है? यदि ऑक्सीजन बैलेंस है तो अब हम सेकंड पर आते हैं। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ एकलव्य सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए NaOH इन वाटर है क्या? तो FPS प्लस HCl वो भी कैसा है? FPS। आगे बताएं NaCl प्लस H2O। क्योंकि Na और Na वाटर तो यहां से निकल गया और जो बच गया वो क्या NaCl। सही है। तो NaCl का वाटर बन गया। और नमक भी किस नमक क्या सॉल्युबल हो जाएगा पानी में? ओके इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखिए एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में सेवेंथ क्वेश्चन पे आइए। सेवेंथ क्वेश्चन यशिका फर्स्ट ये बताओ यशिका अग्नि पहला बताओ कौनसे पूछा जा रहा है? हाँ अच्छी बात है। आहाना कोई बात नहीं। सृष्टि होल ट्वाइस बोला करो। होल ट्वाइस होल थ्राइस CaOH होल ट्वाइस। आगे बोलो प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड में जब CO2 डाला जाता है तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल्की व्हाइट होता है, दूधिया रंग, बहुत व्हाइट कलर का होता है, और साथ में वाटर वाटर उड़ जाता है, तभी तो चूना करने के बाद सफेदी आ जाता है। अब अगला देखो दैट इज प्रोबलीन बी बताओ। अभी तुम पहले ये मुझे बताओ क्या ये बैलेंस है? क्या कैल्शियम बैलेंस है? हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन दोनों तरफ देखो बैलेंस है। इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर चार है। इधर उधर उधर भी चार है। ठीक है उनको बताने दीजिए। बी बी बताइए प्रोबलीन Zn plus AgNO3 gives ZnNO3। नेहा बताओ कोई बात नहीं। आंचल बताओ ZnNO आप बता ही नहीं। आप जिंक है और NO3 है, इस पर एक है इस पर ये है, तो ये चार्ज इस पर लगा दें और ये चार्ज इस पर लगा दें तो क्या फार्मूला बना? Zn होल ट्वाइस। तो अच्छी बात है बोला था।
आगे बताओ प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसे बैलेंस करो, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करो। सर लगा दिया, अब बोलो अब क्या करें? टू लगा दें, अब बाकी चीजें बैलेंस है, जिंक बैलेंस है। ठीक है, एक लव है, सी बताओ। एल हमेशा टू की बैलेंस ही लो पूरी बुक में आपके, में वन की अभी नहीं है। CuCl2 इसकी बैलेंस इस पे लगा दी। आगे बढ़ो। AlCl3 की बैलेंस Cl पे लगा दो और बोलो CU डिस्प्लेस हो गया, अलग हो गया। चलो अब मुझे इसे बैलेंस करके बताइए। यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, अब कैसे बैलेंस किया जाए? तो इसको भी 6 बना दो और इसको भी इधर 3 लगाइए और इधर बोलो 6 हो गए। ऐसा करने के बाद अब कॉपर को बैलेंस करो, इधर 3 लगा दिया और तुम लगा दिया। डी देखिए, डी में अभिषेक डी बताओ। सर BaCl2 प्लस BaCl2 सृष्टि पोटेशियम सल्फेट ऐसे बीच में मत बोलो। नाउ सौम्या पोटेशियम सल्फेट आगे बताइए। गिव्स BaCO4 BaCO4 भी कुछ होता है, हमें तो ऐसा कभी। अच्छा BaSO4 अच्छी बात लिखा है Cl। और बोलो और एक KCl। अब इसे बैलेंस करो, बताओ कहाँ क्या लगाना है? ये पहले K को बैलेंस करेंगे तो RHS में 2 लगा देंगे। अब तो बैलेंस है, बैलेंस ओके। नाउ एट क्वेश्चन में नेहा आप मुझे ए पार्ट बताइए। वो टाइप ऑफ रिएक्शन बाद में करेंगे, पहले बैलेंसिंग करेंगे। बोलो नेहा। बोलो आना के डी आर आप ये देखो ना BA पे क्या चार्ज है, चार्ज ही नहीं याद रख पाओगे तो क्या करोगे? BA पे 2 चार्ज है, सिंपली इसको सम्मान के तरीके सम्मानजनक तरीके से 2 दे दो इसको। तो क्या आंसर आया? बेरियम आयोडाइड है। आगे बोलो अवनी, पोटेशियम आयोडाइड बना। बोलो बी ए बताती ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तुमको BA का चार्ज ही नहीं पता तो फिर कैसे बात बनेगी? जब वो चीज यहाँ नहीं लगाओगी क्या? इसका चार्ज इस पे लगाओ, इसका इस पे, तो क्या बना? BaBr2। अब हमने इसको बैलेंस करिए, AI क्या 2 लगा दोगी? आयोडीन बैलेंस कर दिया। और बोलो
लगा दिया हो गया सही। अच्छा अब अगर सही हो चुका है तो यश आप मुझे इसका बी पार्ट बताइए। ZnCO3 next gives heat कर दिया इसको। हीट को ऐसे लिखा करो हीटेड, ये हीट का साइन है। बोलो ZnO3। अच्छी बात है ईशान बताओ। ZnO हाँ प्लस CO3। देखो जिंक पर भी दो और वो पर भी दो, किसी पर कुछ भी मत लगाओ, टू टू कट गया है। आगे प्लस CO2 बैलेंस करो सॉलिड एनर्जी। ओके साक्षी बताइए सीएल हो गया, टू भी लगा दिया, डी भी बताइए। हाँ बताए, ऐसे मत स्पून फीडिंग मत करो, इससे गलत हो जाती बात। हाँ प्लस एच टू। तो अब इसमें बताओ बैलेंसिंग कैसे की जाए। लगा दिया So, कहाँ से बताऊँ? क्लोरीन गैस है, कोई भी चीज जैसे गैस होता है ना नॉन मेटल, तो डाइटॉमिक है। सीएल में देखो सीएल क्या है 17 होता है, तो 287 है, तो सीएल में आउटर इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाओ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और दूसरे सीएल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये कहेगा मैं तुम्हारा ले लूं, तो कहता तुम ले लो अपना ऑक्टेट पूरा करो मुझे भी अपना एक दो, तो ये शेयरिंग कहलाती है कोवेलेंट बॉन्ड ना, 8th-9th में सिखाया था कि नहीं। सो वी विल डू सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। टेक्स्ट एक सिंगल स्टेप में करना है बस। टेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 आप चाहे तो दो स्टेप ले ले ज्यादा ज्यादा, नहीं तो आप अगर एक में कर पाए तो एक में कर लो। और एक्सरसाइज में 7th and 8th चलो सर कॉपर का सेकंड ही वाला, हाँ हमेशा सेकंड ही लेना। चलो of chemical reaction. So
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन वी कैन सब डिवाइड केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशंस इनटू फाइव टाइप्स. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हो सकती है? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ लोग इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. और फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. सो ये फाइव टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, इसी को हम देखेंगे तो चैप्टर खत्म होगा. देखते देखते चलो पढ़ना नहीं है ना, मत देखो नहीं ओके सर, बस देखते देखते कॉम्बिनेशन रिएक्शन. योगात्मक अभिक्रियाएं, सो व्हाट डज इट मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस. द रिएक्शन इन विच सभी ने जमा कर दिया two or more substance combine to form a single substance, two or more substance combine to form a single substance. तो जैसे मान लो MgN और O2 ये दोनों मिल गए, यानी आपने फुलझड़ी में आग लगा दी, मैग्नीशियम रिबन हो या फुलझड़ी एक ही बात है, तो उसमें आग लगा देने से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी, पूरा जली जाएगा और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एसिड होगी, राख होगी. तो क्या यहां पर ए प्लस बी से सी बन गया तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर एक और चीज हो सकती है सर, वो ए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी से डी बन गया, यानी ये थ्री सब्सटेंस है, टू डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना दें, या तीन मिलकर भी एक बना दें. व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, दो मिल जाए और उससे मिलके क्या बने, एक सब्सटेंस, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन. हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, जैसे कि H2 और O2 क्या ये दोनों गैस हैं, और मिलके क्या बना दें, H2O. ये H2 क्या है, क्या ये फ्यूल है? बहुत जगह हाइड्रोजन से भी तो सैटेलाइट चलते हैं, आग लगा दी जाती है. और ये क्या है, इट हेल्प्स इन बर्निंग, ये क्या करता है बताओ, हेल्प्स इन, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जलती है नहीं. और ये क्या करता है, ये आग बुझाता है, फायर एक्सटिंग्विशर है. बिल्कुल उल्टा बन गया कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर. तो केमिकल रिएक्शन ये होती है कि जो प्रोडक्ट बने उसकी बिल्कुल अलग केमिकल प्रॉपर्टी हो, तभी तो न्यू सब्सटेंस बोला जाता है, उसी को तो केमिकल चेंज कहते हैं. What is combination reaction? The combination of two or more substances which form a single substance. The reaction. Combine to form, ठीक है. यही चीज़ है. The reaction in which two or more substances combine to form a single substance is called combination reaction.
तो क्या मैं यहाँ H2 लिख दूं और उससे क्या बना दूं H2O? यस, इसे बैलेंस करो, O को पहले बैलेंस करो सर, अब H को करो सर। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या हीट निकलती है जब फुलझड़ी जलाते हो? तो कंबिनेशन रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें हीट लिबरेट होती है। इवन H2 और O2 को मिला दो तो इसको कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैटरी, उससे इतनी हीट निकलती है कि इस पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट चल जाता है, स्पेसशिप, इतनी एनर्जी निकलती है। आप एनर्जी लिख लो, हीट ना लिखो तो एनर्जी, समझ में आई बात कि नहीं? सो जिस चीज में से, जिस रिएक्शन में से हीट निकले उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मल जानते हो, हीट, और एग्जिट, एग्जिट का क्या मतलब होता है? निकलना। तो जिसमें से एग्जिट हो थर्मल हीट, तो इसका मतलब है सच रिएक्शन सार। कभी भी जब बॉन्ड बनेंगे, अभी मैं ये पेन ही छोड़ दूं तो क्या ये अर्थ के पास अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है? तो क्या इसके नीचे गिरने से क्या कुछ एनर्जी रिलीज होगी, आवाज आएगी? नहीं। तो जब भी पास आएगा अट्रैक्शन की वजह से, तो इसी तरीके से जब दो एटम्स पास आएंगे तो हीट तो रिलीज होगी ड्यू टू अट्रैक्शन, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन। सो ऑलवेज व्हेन बॉन्ड्स आर मेड, अब बॉन्ड को तोड़ो तो क्या एनर्जी लगती है? ब्रेकिंग में एनर्जी लगेगी, तो डिकम्पोजिशन में तोड़ा जाता है बॉन्ड को, तब वो एंडोथर्मिक हुई, क्योंकि हीट देनी पड़ेगी, और हीट निकले तो जान जाना कम्बिनेशन ही रिएक्शन है। सो ऑल कम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सक्लूसिवली, ये इसमें कोई अपवाद नहीं है। सो दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ऑल कम्बिनेशन रिएक्शंस कैसी हैं? रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन दिस एनर्जी इज लिबरेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और फ्लैश, और कहीं कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है, जैसे बैटरी बन गई H2O2 की। सो इन दिस एनर्जी कैसे लिबरेट होती है? एनर्जी इज लिबरेटेड, लिबरेटेड का मतलब समझ गया, रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? हीट, लाइट, जैसे फुलझड़ी जली तो लाइट और फ्लैश भी हो सकता है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, वो हम बाद में देख लेंगे, बट इतना है कि एनर्जी तो निकलती है। बोलो बात समझ में आ गई? और कोई रिएक्शन आपके ख्याल में है अभी जो कम्बिनेशन रिएक्शन होती हो? मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसको एक्टिव लाइम कहते हैं, चूना होता है बाजार में जो बिकता है चूना, उसको क्या कहते हैं? एक्टिव लाइम। और अगर उसमें CO2 धीरे धीरे रिएक्शन कर जाए तो वो चौक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चौक। तो ये क्या हो जाएगा? CaCO3। अच्छा, धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैं ये चूना खरीद के लाया था तो ये कली चूना था या तेज चूना था, लेकिन ये रखे रखे अब इसको पानी में डालो तो कुछ भी नहीं निकलती, ये अभी कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, अभी ये चौक बन गया। खरीद के लाया था, 10 रुपए किलो मिलता है चूना, तो और अब इसमें धीरे धीरे इसने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया है, और एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये क्या बन गया? जिस समय पहली बार लिया था तो इससे मेरा हाथ कट गया, इतना तेज चूना था, एक्टिव लाइम होता है ना, तो पुताई करते समय डंडी चलाया जाता है, नहीं तो इतना तेज है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? एक्टिव, एक्टिव लाइन। तो कैल्शियम को लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइन। तो कैल्शियम का नाम लाइन है, ठीक है ना। अच्छा, सोडियम का नाम क्या है? तो दैट इज सोडा, क्या कहते हैं उसको? अगर मान लो जिसमें OH लग जाए तो क्या नाम हो जाएगा? कॉस्टिक, यानी रस्टिंग सोडा। हाँ भाई, NaOH कहीं रख दिया, NaOH तो बेस होता है ना, तो कहीं पर भी NaOH रख दिया तो वहां पर आसपास क्या होगा? नल के पास वहां रस्ट लग जाएगी, तो इसलिए इसका नाम है कॉस्टिक। कॉस्टिक का क्या मतलब है? रस्टिंग।
रस्टिंग लगा दे, और के को क्या कहते हैं? पोटाशियम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पोटाश। तो इसको क्या कहेंगे? कास्टिक पोटाश। और सी ए ओ, सी ए को क्या कहते हैं? तो ये एक्टिव लाइन, एक्टिव लाइन को क्या कहते हैं? तेज चूना, चूना को लाइन कहते हैं। रखने, अगर रखने में हाथ नहीं धोया तो थोड़ी देर बाद छिटक जाएगा, फिर ब्लड दिखने लगेगा तेज, तो इसे उससे निकालते हैं। अब ये बताओ, अगर इसमें पानी डाल दिया तो क्या नाम है? लाइम वाटर। मान लो पानी डाल दिया तो उसमें क्या बन जाएगा बताओ? लाइम। बात समझ आ गई? अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो थोड़ा थोड़ा ऊपर तैरने लगेगा। मेरे पास क्या है बताइए? ये चीज है, ये। और अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? ये वैसे है कैल्शियम ऑक्साइड, अभी भी इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को मैं थोड़ा पानी डाल रहा हूं। तो ये पहले इसमें देखो, बाद में टीवी में दिखाएंगे, पहले खुद करो। ये देखो, तो ये देखिए, सो कुछ नहीं है, बैठिए बैठिए। ये देखो, ये हमने इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया? CO डाल दिया। तो ये जो बनेगा, ये क्या बन गया? क्या लाइम वाटर? भाई लाइम को इसमें डाल दिया, तो क्या इसमें ये रिएक्शन हुई? कैल्शियम ऑक्साइड में अगर पानी डाल दिया जाए, देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अगर CO2 धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से ले ले तो चौक बन जाए। अगर इसमें क्या डाल दिया गया, अभी एक तुमने ऐसी रिएक्शन की, बात ना करे बेटा, CaOH होल ट्वाइस। ये क्या है? एक्टिव लाइन, तेज चूना या कली चूना। और ये क्या है? लाइम वाटर। और दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाटर में अच्छी तरह से सॉल्युबल है या नहीं, ये बताओ। बोलो, ना ये देखो, तो मैं इसको मिला देता हूं। तो इसके मिलाने के बाद हमने मिला दिया तो क्या बन गया? That is CaOH whole twice. लेकिन ये पानी में 0.01% ही सॉल्युबल है। अब ये थोड़ी देर में बैठ जाएगा, थोड़ी देर में क्या होगा ये? और बैठने के बाद ये जो लाइम वाटर बनेगा, ये कैसा बनेगा जरा देखो। सो दैट इज दिस लाइम वाटर। ये देखो, ये इसमें सब नीचे बैठ गया, आप नीचे बैठा हुआ देख रहे हैं, इसमें एक ग्राम भी डिसॉल्व नहीं हुआ। देखो इधर इधर है बस, इतना ही है, जो थोड़ा बहुत था वो भी बैठ गया, देख रहे हो। तो जो नीचे बैठा उसे क्या कहोगे? वो बता रही है। हाँ, ये नीचे बैठा इसको क्या कहेंगे? CaO plus H2O। नाम बताइए इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबकी चौधरी बन रही थी, बता नहीं पाए, सबको बता रही थी नीचे जो बैठा है उसे क्या कहते हैं, बता नहीं, कुछ नहीं पाती। आप बताओ, ये बता दी कि मिल्क ऑफ लाइफ। इन्होंने बताया कि जो ऊपर तैर रहा है, इसमें भी साफ साफ लिखा है, नीचे वाले को मिल्क ऑफ लाइफ समझे, ऊपर वाले को ही लाइन वाटर समझे। जो नीचे बैठा है उस पर जो उत्पादक है वो क्लेम नहीं करता, कहता वो मिल्क ऑफ लाइफ। समझ में आई बात? तो नीचे बैठा हुआ देख रही ना थोड़ा सा, और नहीं तो इसमें देख लो, उसमें ना देखो, इसमें भी तो बैठा बहुत सारा, ठीक है कि नहीं? अगर मैं इसमें डालूंगा
तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, अभी थोड़ी देर में इससे ये भी कलरलेस ही हो जाएगा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ आधे घंटे। और फिर जब इसमें ब्लो करोगी, मुंह से फूकोगी, मुंह से CO2 निकलती है, फिर ये दूधिया आ जाएगा, मिल्की, यही रिएक्शन करो। पहले अभी इसे कलरलेस होने दो, नीचे बैठने दो। तो हम देखेंगे कि लाइम वाटर में अगर CO2 डाली जाए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। तो ये लाइम वाटर देख रहा है, नीचे बहुत थोड़ा सा बैठा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ऊपर है लाइम वाटर और नीचे क्या है, ऊपर वाले का फार्मूला बताओ, नीचे वाले का अभी बताए। ऊपर का भी CaOH होल्ड ट्वाइस और नीचे का भी है वही चीज, लेकिन 99.99% नीचे बैठ गया और जो ऊपर तैर रहा है, तो दोनों का वही फार्मूला है कि नहीं, नीचे देख रहे बेटा। चलो तो इससे क्या पता चला, CaOH होल्ड ट्वाइस समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं लाइम वाटर, इसको क्या कहते हैं पेज चूना या गली चूना। क्लोराइड भी इसी में आएगा, बोलो H2 plus Cl is equal to HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन से कुछ वो सब अभी हम बताएंगे, ये समझ में आया। अच्छा ये बताओ इसे क्या कहते हैं, क्या है, क्या ये यही है लाइम स्टोन संगमरमर, ये लाइम स्टोन है या ये चौक है, ये जिस जमीन पे बैठे हो ये मार्बल, समझ में आ गई। तो इस ये क्या बताइए, लाइम स्टोन, ये लाइम स्टोन समझ में आ गया। तो लाइम वाटर समझ में आ गया, और अगर हमने इसको पानी में मिला दिया तो नीचे क्या ऐसे बैठ जाएगा, जो नीचे बैठ गया वो क्या है, मिल्क ऑफ लाइम, और जो ऊपर है वो क्या है, लाइम वाटर। इसका भी फॉर्मूला क्या है, और इसका भी, बोलो बात समझ में आई। अब दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ लाइम वाटर इन वाटर, 0.01%, यानी 100 में 0.01, वो भी 100 में, तो एक में कितना कम होगा, आप समझ गए। सो इट इज वेरी लेस सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, आंशिक रूप से घुलनशील है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा क्या ये बैलेंस है, सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब जरा देखो कि अब हमारा थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगा है, पता चल रहा है ना आपको, तो बिल्कुल नीचे बैठ गया। अब मैं इसको ढाल दूं, कुछ भी नहीं है ना इसमें, पानी है, समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसी टेस्ट क्यूब से क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, फूंक मारने के बाद क्या होगा, तो ये काम सौम्य करेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा, इसमें तुम बुरा सा ऐसे मुंह से फूंक मारो और देखो ये सबको दिखाओ कि क्या हो रहा है, लो इसे फूंक मारना शुरू करो, पकड़ो इसको हाथ में, बैठ जाओ, 2 मिनट तक फूंक मारती रहो, आप मारिए ना, चूने का पानी है, और कोई कर ले, और किसको करना है भाई, करने से पता चलेगा कि नहीं, अभी हम फिर टीवी में भी दिखा देंगे। हाँ अब देखिए इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये देखो धीरे धीरे ये मिल वाइट मिल्की हो जाएगा, करते जाओगे अभी समय लगेगा, 2 मिनट करना पड़ेगा। सो जब हम लाइम वाटर में CO2 डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल करते जाइए अभी, ओके। अब जरा देखो चलो, सो दैट वी आर सीइंग दैट हाउ द कलर चेंजेस, थोड़ा होगा करते रहना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए, साक्षी तेरे पास, अरे नहीं, सॉक्स तो ऐसे। Thank you.
अभी आ जाए। देखो ये जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ये देखो, ये देखिए, कर लो सांस लो, आराम से करो, उधर भी प्रैक्टिकल चल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो इस चैप्टर में, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस चैप्टर, और हर टेस्ट में पूछा जाएगा। ऐसा कोई टेस्ट नहीं जिसमें ये प्रैक्टिकल ना पूछा जाए। सो करते जाओ, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। हम तुमको दिखा देंगे इसमें से दूसरे में डाल के चेंज हो रहा है। ये देखो, पेशेंस रखना चाहिए। ये देखो, इससे मिला लो, तुम्हारा पानी दूधिया है थोड़ा, धीरे धीरे ये डार्क होता चला जाएगा। नाउ लेट अस सी, आप इधर देखिए। सो देखो, पासिंग CO2 इन लाइम वाटर, तो ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड पानी को दूधिया कर देती है। ये देखो, टाइम वाटर लिया, इसको तैयार करने के लिए हमने एक दिन पहले क्या किया था? बहुत लाइट है नीचे का, नीचे बिल्कुल टाइम दिख रहा है। अब देखो, इसको दिला दिया था और बोल करके रात भर उसको रख दिया डाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये देखो, अब ये टेंथ का बच्चा है, ये सब कर रहा है। ये टेंथ का बच्चा है, ये फाइट पे नहीं जाना, ये देखो, ट्रांसपेरेंट है, पूरी क्लास बच्ची आउट में उसकी रहती है। थोड़ा कलर चेंज हो रहा है ना, इनका भी दिया हो गया। देखो हो रहा है कि नहीं, बस इतना ही करो, थक जाओगे। देखो ताली बजा दो, थोड़ा वैसे उनके में भी आ रहा है, वो दिखा रहे हैं। कंपेयर करो, अभी अभी किया है, हमने इसमें कुछ मिलाया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो बताइए चलो अब देखते हैं। सो लेट अस सी, एक हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम देख लिया, दूसरा क्या देख लिया? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू ऑक्सीजन गैस। तीसरा क्या है बताइए?
ये कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 मिला दिया जाए तो कैल्शियम कार्बन वाटर मिला दो तो फिर क्या होगा, दैट इज लाइम वाटर बन जाए। अब एक और देख लो, H2 प्लस Cl2 इससे क्या बनेगा, 2HCl। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस की डेफिनेशन वो बताओ, रिएक्शन अमोनिया NH4। ये सही बताने आप ही बेटा, आप बताओ N प्लस, ये नहीं बता पा रहे, ये बोलो अर्पिता। N2 प्लस H2 और राइट हैंड में N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2 तो खैर बैलेंसिंग में हो ही जाएगा और फिर क्या हो जाएगा NH3। So this is again a combination reaction, A plus B से C बना, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, combination reaction। So these all are combination reaction। अब जरा देखो, ये reaction आपके बुक में दिया गया है, that is CaO plus H2O, CaOH whole twice, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे exothermic reaction है। So लेट अस सी कि मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एक्टिव लाइन। सो देखो ये एक्सोथर्मिक कैसे, चूने में पानी मिलाना, मिक्सिंग ऑफ वॉटर इन कैल्शियम ऑक्साइड। सो ये देख लो, इसको देख लो, 100 ठंडा पानी मिलाएंगे तो अब ये देखो थोड़ा पानी डाल दिया, अब इसमें चूना डालेंगे तो क्या बॉइल होने लगेगा, ये एक्टिव लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कली चूना। हाँ तो अभी अभी डाला, और ये लोग कुताही वाले हैं, इनका हार्ड हाथ होता है थोड़ा सा रफ एंड टफ, हम लोगों का वो ऐसा नहीं है जरा सा, तो देखो बॉइल होने लगा, आप देख रहे हैं अभी धुआं भी निकलने लगेगा, ये इतना हीटेड है कि बिल्कुल जैसे 90 डिग्री सेल्सियस। सो कितना है देखो, आफ्टर हीटिंग सो इट गिव्स, मतलब इट रिलीजेस हीट, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि दैट इज, ये दिखाएंगे तब पता चलेगा, इसी में ही ये देखो आपको धुआं निकलते हुए दिख रहा है, पानी डालने देखो थोड़ा ज्यादा बगल वाला पानी इतना गर्म हो गया उसमें से धुआं निकल रहा है, देखो पता चल रहा है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमने किसको किसको मिलाया है, पूरा फार्मूला बताओ ना, और बना क्या है, बॉइलिंग दिख रही है, दिख रहा बॉइलिंग, तो इससे क्या पता चला, बाहर भी है उसको ठंडा करने के लिए, तभी जिसे ही अगर ठंडी चीज होगी तभी तो हीट होगी, और गर्म पानी में डाल दे तो और क्या गर्म होगा, वो घुलेगा ही नहीं, तो कूल पानी रहे, वो कहेगा कुताई करने वाला भैया ठंडा पानी लाओ फ्रिज का, तब चूना घोलेंगे, मटके का पानी लाओ, तभी तो उसमें हीट अलाउड होगी, हीट कैसे कोई निकालेगा, जब बाहर ठंडा होगा तभी तो हीट निकालेगा, तो इसीलिए ठंडा पानी देते हैं, बात समझ में आ गई कि कैसे बॉइल हो रहा है, कैसे हीट निकल रही है। सो इसलिए कैसी रिएक्शन हुई, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन था,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी. अब जरा देखो, अब ये यही चीज क्या आपके बुक में एक्सपेरिमेंट में भी दी है? फिगर नंबर 1.3 देखो कि इसको छूने पे क्या आपको गर्म लगेगा. 1.3 देखा आपने फिगर? देखा तो हाथ लगा के वो क्या देख रहा है कि टेम्परेचर वो गर्म हो गया. सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और नीचे इक्वेशन दी है. अच्छा अब ये बताओ कि नाउ कुछ और रिएक्शन लिखे, अगर कोयले को जला दिया जाए तो क्या होगा? कार्बन CO2 CO2 बन जाएगा. कोयले को जला दो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल जाता. सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंप्रेशन रिएक्शन. सो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सौम्या ने करके लिखा, व्हाट टेस्ट यू परफॉर्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन एनी गैस. जैसे तुम सांस लेते हो तो उसमें CO2 है या नहीं इसका पता कैसे लगाओगे? सांस रिलीज करते हो तो CO2 होती है, कैसे पता लगाओगे? यदि तुमने अपनी एक्सहेल्ड ब्रीथ को चूने के पानी में डाल दिया और वो दूधिया हो गया, इसका मतलब है कि तुम्हारी छोड़ी हुई सांस CO2 में CO2 है. यानी ये क्वेश्चन आप समझिए कि कई बार आएगा, जितनी बार टेस्ट दोगे यही क्वेश्चन आएगा. सो हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, ये देखिए सर, संडे टेस्ट होगा हिस्ट्री के भी आएगा. हिस्ट्री तो नहीं आएगी, हाउ विल यू डिटेक्ट दैट अ गैस कंटेन्स CO2, कैसे डिटेक्ट करोगे? सो बात ना करें. नाउ इफ CO2 गैस इज पास्ड, इफ अ गैस, देखो इफ अ गैस इज पास्ड थ्रू, किसमें पास किया जाए साक्षी? बोलो और बता नहीं रही कुछ, उन्होंने किसमें पास किया? बोलो, पास्ड थ्रू लाइम वॉटर एंड इट टर्न्स मिल्की. और ये किसमें बदल जाए? दूधिया. एंड इट कोई भी गैस डाले तब भी हो जाएगा. नहीं, इफ यदि एक गैस के डालने पे ये दूधिया हो जाए तो वो गैस CO2 है, और ना हो तो वो गैस CO2 नहीं. एंड इट टर्न्स मिल्की देन दैट गैस, तब उस गैस को क्या कहेंगे? गैस इज CO2. यानी लाइम वाटर में डालो तो क्या रिएक्शन लिखे बोलो? यही है लाइम वाटर, यही है. अब इसमें मैंने कौन सी गैस डाल दी? तो बोलो, लाइम वाटर में तो बहुत थोड़ा सा ट्रेस था, लेकिन अब ये किसमें बदल गया? क्या संगमरमर में? संगमरमर बन गया मार्बल. मार्बल व्हाइट होता है बिल्कुल कि नहीं? और बाकी क्या बन गया? CaCO3. ओ थ्री का क्या मतलब है? एक को इसमें से कम कर दो तो अब क्या बचा? क्या H2O बचा? तो H2O उसी में रहेगा, लेकिन ये मिल्की हो गया. इसका ये कैसा कलर था बोलो? ये कलरलेस, कलरलेस ही. सो कलरलेस. और ये कैसा हो गया? मिल्की. ठीक है. सो CO2 कन्वर्ट्स लाइम वाटर इनटू मिल्की. CO2 कन्वर्ट्स लाइम वाटर इनटू मिल्की. CO2 टर्न्स लाइम वाटर इनटू. तो ये लोग कितना अच्छा बता रहे हैं कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड इफ इट इज पास्ड प्रोलॉन्ग. अब हमें मालूम नहीं, हो सकता है उन्होंने लंबे समय तक पास कर दिया, इसी वजह से फिर कलरलेस हो गया. लो हमको नहीं पता, पता नहीं थोड़ी देर के लिए मिल्की हुआ हो और ये और भी पास करती रही हो. इन्होंने अगली रिएक्शन करा डाली बैठे बैठे.
सो इफ आगे की सुनो, यदि इसमें लगातार और CO2 डालते रहा जाए तो क्या हो? इफ CO2 इज पास्ट प्रोलॉन्ग, अगर उसमें लंबे समय तक डाला जाए टू इट, देन लाइम वाटर अगेन बिकम कलरलेस। देन लाइम वाटर किस वजह से अगेन बिकम्स कलरलेस? जरा देखो, मतलब हमारे पास ये बन गया था ना, देखो ये बन गया था, इसी सॉल्यूशन में तो टेस्ट ट्यूब में डालोगे, ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपने क्या किया, ब्लो किया कि नहीं? तो ये देखो, इसमें आपने ब्लो किया, ये मुंह से ब्लो होता है। सो इफ इट इज, यदि मान लो और डालते जाए जाए तो क्या बन जाएगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। जरा ध्यान दो, सी ए है और एच दो हो गया, सी कितने हो गए? दो हो गए, और यहाँ एच बताओ ओ कितने हैं? हमें नहीं मालूम, आप जो बताओगे वही माना जाएगा। और क्या यहाँ भी सिक्स हैं? पूरी बैलेंस है। और इसका कलर क्या है? कलरलेस। देखो कलरलेस, समझ में आ गई? तो अगर ये इट रिकन्फर्म्स दैट द गैसेस, ये दोनों लिखनी पड़ती हैं, इट रिकन्फर्म्स दैट द गैसेस CO2, पहले वो उसे कलरफुल बनाए, मिल्की बनाए, और ज्यादा देर पास करने पर उसे वो कलर लेस कर दे, तो ये कहा जाएगा कि निश्चित रूप से ब्लो करी गई गैस CO2 है। सो इट रिकन्फर्म्स दैट गैस पास्ट इस CO2। अच्छा, इसका नाम बताइए यश। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम के दो चार्ज हैं और HCO3 में कितना होता है? एक, तो इसको इधर लगा दो और इसको, ठीक है, तो नाम क्या हुआ? कैल्शियम। अब देखिए, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ फाइव एग्जांपल्स ऑफ इट। डिफाइन How will you test? Presence of CO2 gas dipole chemical reaction. और ये वाला ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक।